की सही डेफिनेशन पढ़ी नहीं है आपने। कबीरदास का वो दोहा तो सुना ही होगा कि सब धरती कागज करो लेखन सब बन रहा है, सात समुद्र की मस्त करो गुरुगुण लिखा ना जाए। तो ये पता नहीं ऐसा कैसे समझ लेते हैं कि गुरु ऐसा कर सकता है। मैं आपको अपने बारे में बताऊं, वैसे ही सारे शिक्षकों की कहानी है कि आज हम लोग उस लेवल पे स्टेबलिश हैं कि शायद 10 या 15 पीढ़ियां कुछ भी ना करें तो सर्वाइव करेंगी। उतने बच्चों को हमने उतनी संख्या में बच्चों को पढ़ाया क्योंकि मिलियंस लोगों को पढ़ाया है, फ्री पढ़ाते हैं तो भी जैसे भी मर्जी पढ़ाए। तो ये कहना एकदम गलत है कि पैसे के लालच में कोई शिक्षक इस तरीके के जानबूझ के मूवमेंट कराते हैं। कई लोगों का ये मुद्दा आ जाएगा, अरे ये ना नेता बनना चाह रहे हैं पॉलिटिक्स। आप तो इतने इंटरव्यू कर रहे हैं, क्या पूछते हैं नेता से? फॉर्च्यूनर है ये पूछा जाता है नेता से, जो बड़े बड़े नेता है। ये मैं अपना और सारे शिक्षकों की तरफ से कह रहा हूँ। तो जितने भी सब नेता टीचर है ना, उनके पास फॉर्च्यूनर नहीं है, सब मर्सिडीज ऑडी और रॉयल्स रॉयस तक की प्लानिंग में, उतनी बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में चलते हैं। तो हमारा कंपैरिजन नेता से करना इकोनॉमिकली, और नेता के 50 चाहने वाले होते हैं और 150 गाली देने वाले होते हैं, जबकि हम शिक्षक हैं हमारे 150 में एक या कोई दो या लाखों में कोई 2-4% मिलेंगे जो खराब कहे, वरना सब चाहने वाले हैं। तो ना तो हमारी वो दिशा है कि हम प्रोटेस्ट से ये चाहते हैं कि हमें नेता बनना है, और पैसे कमाने की बात कोचिंग माफिया, मैक्सिमम जितने भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन बहुत मिनिमल फीस पे ही पढ़ा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं। और YouTube पे मैक्सिमम, और जो आंदोलन करते हैं वो शिक्षक है जो YouTube पे फ्री पढ़ा रहे हैं, लाइक मैं हूँ, क्योंकि बच्चा उन्हीं की बात मानता है। आप सोचें जो शिक्षक सिर्फ पैसे लेके पढ़ा रहा है, बच्चा उसके कहने पे नहीं ट्यूट करता है। अब 1 करोड़ ट्यूट हो जाते हैं, आप सोचिए मोदी जॉब दो पे भी हुए, रोजगार दो पे हुए, कितने शिक्षक करा देंगे भाई? सारे बच्चे परेशान है, हताश है, प्रताड़ित।